नमस्ते, मसाला बाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रायता मसाला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए सौंफ 1 बड़ा चम्मच, जीरा 1 बड़ा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च 10 से 15, हींग 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। रायता मसाला बनाने के लिए हम तेज आंच पर तवे को 5 मिनट तक गरम करेंगे। जब तवा गरम हो जाए तब उसमें जीरा, सौंफ और हींग डालकर 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे। 8 मिनट के बाद सौंफ, जीरा, हींग अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब यह मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में डालकर पीसेंगे। अब इस मिक्सचर को जार में डालेंगे। इसमें साबुत काली मिर्च डालेंगे और इसे बारीक ग्राइंड होने तक पीस लेंगे। जब मसाला पिस जाए तो उसमें काला नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर चम्मच से मिला दें। इसे एक एयर टाइट जार में भर कर रख लें। ये 15-20 दिन तक मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मसाला बाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।